दो, हाँ छूने दो, जरा पास आने दो, होठों से मुझे जल जाने दो ना जरा सनम। हाँ जी, रेडियो हाँ जी 1674 AM यू आर लिसनिंग एंड दिस इज योर अपना आरजे पुनीत। और इस वक्त जो आपने गाना सुना छूने दो, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना, रोमांटिक माहौल बन चुका है पूरा स्टूडियो में। आई होप कि आपको भी काफी पसंद आया होगा गाना। अगर पसंद आया तो जरूर अभी ही फेसबुक पर, हमारे फेसबुक पेज रेडियो हांजी पर थम्स अप जरूर भेजिए। और इस गाने के सिंगर राहुल देव मेरे साथ हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाने के लिए हम रेडी हैं। क्या आप रेडियो रेडी हो ना, तो आइए वेलकम करते हैं राहुल देव का। राहुल देव जी, वेलकम टू रेडियो हांजी ऑस्ट्रेलिया। हाय पुनीत, मेनी मेनी थैंक्स एंड हाय टू ऑल द ऑस्ट्रेलियंस, इंडियंस, एशियंस, द पीपल ऑफ वर्ल्ड। क्या बात है। तो राहुल जी, आपकी अभी आवाज मैंने सुनी तो मुझे लग रहा है कि आरजे तो आप हो, इतना बेस आवाज में। नहीं, मैं आरजे नहीं हूँ। हाँ, मैं वॉइस ओवर करता था एंड मैं रेडियो से एसोसिएटेड रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक। क्या बात है। तो राहुल जी, आपका डेब्यू फुल फ्लेज सिंगल छूने दो रिलीज होने जा रहा है 15 सितंबर 2017 को। तो हाउ आर यू फीलिंग, नर्वस हो या नर्वस हो रहे हो थोड़े थोड़े, या फिर जैसे होता है ना कि एग्जाम दे दिया अब रिजल्ट आने वाला है? हाँ, काफी नर्वस हूँ। एज एन आर्टिस्ट, जब आप कोई चीज क्रिएट करते हैं, कोई सॉन्ग क्रिएट करते हैं, कोई भी अपनी क्रिएटिविटी आप जब बनाते हैं तो थोड़ा रहता है डर हमेशा कि लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। बट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, तो आई होप कि लोगों को पसंद आएगा। जी, तो राहुल जी, इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं? लिरिक्स मैंने ही लिखे हैं। अरे वाह, क्या बात है। सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट भी, क्या बात है, बहुत खूब। तो लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत साउलफुल से लिरिक्स हैं। ये लिरिक्स दिमाग में आए कैसे? देखिए, जो इंस्पिरेशन होता है ना किसी आर्टिस्ट के लिए, किसी सिंगर के लिए, आई बिलीव ऑन बिहाफ ऑफ म्यूजिक फ्रेटर्निटी, वो इंस्पिरेशन हमेशा एक लड़की होती है, एक खूबसूरत लड़की। ओके, तो मेरी जिंदगी में एक है खूबसूरत मोहतरमा, तो उनको देखकर मैंने, मतलब उनके बारे में सोचकर मैंने लिखा। और मैं यहाँ सारे सुनने वालों को, सारे लिसनर्स को और आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मेरा ट्रिब्यूट है आरडी साहब को, आरडी बर्मन साहब और किशोर दा को। रूप तेरा मस्ताना जो गाना है, वो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड था, वो मैं गाता था कॉलेज टाइम में और बाद में भी। तो उस गाने से इंस्पायर्ड होकर मैंने ऐसे कुछ सोचा कि कुछ इस तरीके का होना चाहिए। सो दिस इज माई हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट टू पंचम दा एंड किशोर दा। क्या बात है। तो पंचम दा का नाम आर डी बर्मन ना, राहुल देव उनका भी नाम राहुल देव, तो आपका नाम भी उनसे इंस्पायर्ड है? हाँ, एक्चुअली मेरे फादर साहब को बहुत पसंद है पंचम दा, मेरी मम्मी को भी, दोनों गाते हैं। तो हो गया कोइंसिडेंटली, तो उन्होंने बोला कि इसका नाम राहुल देव ही रखो, ऐसे नाम आया। ओके, तो ये भी मेरा सवाल था, ये होना था इंटरव्यू में, कि आपके पेरेंट्स ने आपको कभी नहीं रोका कि गाना मत गाओ या इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मत जाओ, लेकिन उनको भी पसंद है म्यूजिक, तो आई होप कि कोई परेशानी नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे फादर साहब जो है वो इंडियन आर्मी में थे, अब तो रिटायर्ड है, तो उन म्यूजिक इंक्लिनेशन उनका बहुत था, बहुत म्यूजिक उनको पसंद था। एंड कमिंग फ्रॉम बंगाली फैमिली, तो हमारे मेरे डीएनए में ही है, तो उन्होंने कभी नहीं रोका। और फिर मैं क्योंकि अंबाला कैंट में बड़ा हुआ हूँ और चंडीगढ़ में, तो वहाँ कॉलेज यूथ फेस्टिवल, आपको पता है कि यूथ फेस्टिवल होते हैं जी, तो यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे, तो वहाँ अच्छा रिस्पांस हुआ। फिर करियर आप ही की तरह रेडियो में चले आए, तो वो एक प्लस पॉइंट था म्यूजिक हमारे लिए, तो फिर वो म्यूजिक करते रहे, म्यूजिक से ही। और इससे बेटर क्या हो सकता है कि आप म्यूजिक भी कर रहे हो और उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं। क्या बात, रेडियो में ये मतलब ऐसे करके फिर
जी तो राहुल जी, इससे पहले आपने बहुत सारे बैंड्स के लिए म्यूजिक भी कंपोज किया है, तो फिर एकदम से सोचना कि अब चलो मैं गाना भी गाता हूँ, अपना सिंगल भी निकालता हूँ, तो ऐसा क्यों सोचा आपने? बेसिकली पुनीत, क्या होता है ना कि एक तड़प रहती है हमेशा एक क्रिएटिव इंसान के अंदर, क्योंकि तब मैं एज एन अरेंजर, एज ए कंपोजर मैं लोगों के लिए कर रहा था. फिर जबकि मैंने म्यूजिक में शुरुआत एज ए सिंगर ही की थी, मेरा अपना बैंड था कॉलेज टाइम में. क्या? तो फिर उस टाइम लेकिन हम बहुत अलग तरीके का म्यूजिक करते थे, हम क्लासिक रॉक गाया करते थे, मतलब डीप पर्पल, डेफ लेपर्ड, पिंक फ्लॉयड, गन्स एंड रोजेस, डूरन डूरन, मतलब उस तरीके का म्यूजिक करते थे. तो फिल्म में भी कई प्रोड्यूसर्स के लिए म्यूजिक मैंने किया. फिर खुद लग रहा था कि कहीं ना कहीं अंदर दब रहा हूँ, अंदर घुटन हो रही है, अंदर मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि अपना म्यूजिक करते हैं इंडिपेंडेंट. जी फिर इसमें मैं एक चीज बस ये बोलना चाहूंगा कि पंजाब के एक बहुत बड़े म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हैं, मिस्टर आर स्वामी, उन्होंने मेरे को बहुत प्रेरित किया. उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि करो 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 करो, तो उन्होंने ही वीडियो भी मेरा प्रोड्यूस किया है. जी तो राहुल जी, क्योंकि आप बता चुके हो कि बहुत सारी स्टेज पे आप परफॉर्म कर चुके हो यूथ फेस्टिवल्स में, तो पहला ऐसा कौन सा गाना था जो अक्सर आप स्टेज पे गाते थे या हर पूरा दिन गुनगुनाते रहते थे? मेरी जो सबसे पहली याद है वो है, मतलब जब मैं होश में आया तो मेरे लिए सबसे पहला सिंगर जो होता है ना कि आप होश में रहते हो, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, ये कैसे गाते हैं, तो वो मेरे फादर थे. ओके. आर्मी में, हाँ आर्मी में रेजिंग डे होता है, कोर डे, मतलब उस यूनिट का दिन, तो वो फंक्शन चल रहा था. तो मैंने देखा कि यार बड़ा अच्छा हो जा रहा है, कौन, मतलब फिर मैंने, अच्छा पापा गाते हैं, मतलब अच्छा ये गाना होता है, तो वो गाना मैंने सबसे ज्यादा मतलब गुनगुनाया है और आज तक मुझे याद है वो, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, अगेन किशोर दा. अरे वाह, तो मैं चाहता हूँ कि छूने तो गाना आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप दो बोल गुनगुनाइए छूकर मेरे मन को. गए छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा. क्या बात है, बहुत खूब राहुल जी, बहुत खूब. तो राहुल जी, आपने पंचम दा की बात की, किशोर दा की बात की, लेकिन आज के टाइम का आपका फेवरेट सिंगर और म्यूजिक कंपोजर कौन है? आज के टाइम में आप पूछ रहे हैं? बिल्कुल जी. आज के टाइम में देखिए, एज ए सिंगर आई बिलीव सोनू निगम जी से बड़ा सिंगर आज के टाइम में कोई है नहीं. मतलब लोगों को और बहुत से सिंगर पसंद हैं, बट मुझे लगता है कि ही इज देयर, लाइक ही इज इन द लेजेंड वाला. तो मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. और फीमेल सिंगर्स में मुझे श्रेया घोषाल आज के टाइम में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अच्छा गाते हैं. और एज अ कंपोजर आई बिलीव रहमान साहब वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. क्या बात है, नो वन कैन बीट हिम. तो राहुल जी, आपने गाना लिखा, एक रोमांटिक गाना लिखा, आपने सोचा ही क्योंकि क्यों सोचा कि आप रोमांटिक गाने से ही आप मार्केट में आओगे, आप इस म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम जमाओगे? मुझे लगता है कि जैसे हर सिंगर, हर म्यूजिक कंपोजर, उनका एक स्टाइल होता है जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और जो वो नेचुरली निकल जाता है. तो मेरे लिए रोमांस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे भी वर्ल्ड में बहुत वायलेंस है, तो रोमांस होना बहुत जरूरी है. और मेरा स्टाइल जो है, इट कम्स आउट वेरी नेचुरली एंड पीपल कॉल मी दैट आई एम वेरी रोमांटिक. आई डोंट नो, बट प्रोबेबली दैट्स व्हाई. क्या बात है, मतलब रोमांटिक. हाँ, तो मेरे लिए बहुत जी, इट मी वी रोमांटिक. तो राहुल जी, गाना शूट हो चुका है, कल बाहर आने वाला है, गाना का रिलीज होने वाला है, तो आप जब वीडियो कर रहे थे, बिकॉज पहले म्यूजिक तो बहुत किया है, कोई वीडियो में मॉडलिंग भी करी थी पहले या पहली बार, ये पहला एक्सपीरियंस था?
नहीं मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरा दूसरा सॉन्ग जो है वो पहले शूट हो चुका है. ओके. तो मैंने दैट विल कम अप विद टी सीरीज. ओके. लाइक बीइंग प्रमोटेड बाय टी सीरीज. तो वो वीडियो पहले शूट हो चुका था, ये वाला बाद में हुआ है लेकिन ये पहले आ रहा है. ओके. तो आप जब पहला और जैसे आपने मॉडलिंग एक्टिंग की बात की तो मैं थिएटर कर चुका हूँ. आई हैव डन नेशनल लाइक डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. तो मैं एक्टिंग मैंने की है थिएटर में बहुत. तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. क्या बात है. तो आई थिंक इंडस्ट्री को नेक्स्ट फरहान अख्तर मिलने वाले हैं, लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिंगर, एक्टर, सारा कुछ. लेकिन वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं, वो मैं नहीं हूँ. तो राहुल जी, अगर दोबारा छूने दो की ही बात करें तो क्योंकि तो नर्वस किस गाने के शूट में थे, जो अभी दूसरा गाना आएगा उसमें या इस गाने में? मैं दूसरे वीडियो में ज्यादा नर्वस था क्योंकि उस वीडियो में बंगाली इंडस्ट्री की दो मतलब बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, बहुत नामचीन एक्ट्रेस. ओके. तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्योंकि मैं इतना मतलब बंगाली सिनेमा फॉलो नहीं करता तो मुझे आइडिया नहीं थी कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं. तो मैं जब उनके साथ सेट पे होता था, जब लोकेशन में होते थे, जब शॉट होते थे, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता था क्योंकि दे आर वेरी प्रोफेशनल. मतलब वो आएंगे तो रोमांटिक सीन करना हो, जैसे हग करना हो, तो मैं हिचकिचाता था कि पता नहीं कैसे करेंगे. और वो मुझे बताता अरे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. तो मैं उस नेक्स्ट सॉन्ग जो है, जो वीडियो है, उसमें मैं ज्यादा नर्वस था. अभी इसमें तो नहीं, इसमें तो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल. आर स्वामी जी ने बहुत कम्फर्टेबल रखा था मैं. जी. तो एक बार अभी छूने तो हो जाए सभी लिसनर्स के लिए. ओके. छूने दो जरा पास आने दो, हाँ छूने दो जरा पास आने दो, होठों से मुझे जल जाने दो ना तेरा सनम, छूने दो. क्या बात है राहुल जी, बहुत अच्छे. तो राहुल जी, आपको क्यों लगता है कि ये गाना ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगा? इसमें क्या खूबियां क्या है? खूबियां है कि रोमांस है. आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अगर हो, या आप अपनी वाइफ के साथ हो, और आप जिस भी एज ग्रुप में हो, मतलब अगर जो हमारे उम्र में थोड़े बड़े हैं वो जब अपनी वाइफ के साथ होंगे या अपने बिलवड के साथ होंगे तो दे विल फील दैट इग्नाइट That ignition in them, मतलब जो अंदर से होता है ना थोड़ा सा, मतलब वो इश्क जो लोगों के सामने नहीं दिखाया जाता जी. उस तरीके से वो रोमांस. आप जब ये गाना सुनेंगे तो आपको अपनी जो सबसे ज्यादा आप जिनसे प्यार करते हैं, मतलब एज अ लवर, वो आपके जहन में आएंगे. तो आई बिलीव दैट इज वेरी वेरी रोमांटिक. वो अंदर का जो छोटी छोटी जो फीलिंग होती है ना, जिसको आप लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, तो वो इग्नाइट करेगा ये गाना, आई बिलीव. क्या बात है. तो गाना रिलीज होने जा रहा है 15 सितंबर को, 15 सितंबर को, छूने दो बाय राहुल देव. तो राहुल जी, एक और सवाल है मेरा, क्योंकि प्यार का तो हर दिन होता है लेकिन ज्यादातर ऐसे रोमांटिक सिंगल्स ज्यादातर सिंगर्स रिलीज करते हैं वैलेंटाइन मंथ में. आपने क्यों सोचा कि अभी रिलीज किया जाए ये गाना? लव के लिए कोई दिन नहीं चाहिए आपको. लव तो हर रोज, हर पल, कभी भी, जब मतलब एज आई सेड कि दुनिया में वैसे बहुत वायलेंस है. मेरे ख्याल से तो हर पल एक नया रोमांटिक गाना, एक रोमांस फुल सॉन्ग रिलीज होना चाहिए. तो रोमांस तो 24 घंटे होता है. मतलब अभी आप स्टूडियो से बाहर निकलेंगे या स्टूडियो में ही खूबसूरत चेहरा दिख जाएगा और आपका दिल बोल उठेगा कि मतलब छूने दो, तो आपके दिल में वो तो वो प्यार हो जाएगा. आपको अभी आप निकलेंगे बाहर को ये बहुत हसीन सा चेहरा दिखेगा और आप बोले यार इसके साथ मतलब या शी इज द गर्ल, तो वो मोमेंट तो प्यार तो कभी भी हो सकता है. इसीलिए ये गाना कभी भी रिलीज हो सकता है. आई थिंक अगर ये वाली बात मेरी गर्लफ्रेंड सुनेगी तो मुझे बहुत घर जाकर मुझे तो मतलब बहुत डांट पड़ेगी.
नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अपने सभी अपने बिलव्ड वन के साथ ये गाना सुन सकते हैं, देख सकते हैं और जरूर सुनिएगा छूने दो। तो एक लास्ट बार राहुल जी आप एक अपील कर दीजिए लिसनर्स को कि वो गाना जरूर लाइक करें, देखें, शेयर करें अपने तरफ से। थैंक यू, मुझे आपने ये मौका दिया। सभी सुनने वालों को, पुनीत के शो सुनने वालों को और जो अभी मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि 15 सितंबर को आपने जरूर देखिए गाना और सुनिए भी, छूने दो। और अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर विद अदर्स, स्प्रेड लव। और अगर पसंद नहीं भी आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या पसंद नहीं आया, तो आई ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, बट प्लीज डू लिसन एंड गिव योर रिव्यूज। क्या बात है राहुल जी, आई होप कि बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट हो आपका ये गाना छूने दो जो कल रिलीज होने जा रहा है, और उसके बाद अगला गाना भी जो आ रहा है वो भी सुपर डुपर हिट हो और आप इंडस्ट्री के एक बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश सिंगर बन जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अभी भी फॉलो करते हो पंचम दा को और किशोर दा को, तो बहुत ही अच्छी बात है वो। और ऑल द बेस्ट फॉर यू दिस रिलीज छूने दो। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। Thanks a lot to you, Puneet, and Radio Hanji. Keep rocking and be on the top always. Thanks a lot, Australia. Melbourne. थैंक यू। तो ये थे राहुल देव जी जिनका गाना रिलीज होने जा रहा है कल छूने दो, आप भी जरूर सुनेगा। YouTube पे जाकर सिर्फ सर्च करिए छूने दो राहुल देव, आपको मिल जाएगा गाना और जरूर सुनिए और देखिए और जरूर हमें भी बताइए कि आपको गाना कैसा लगा और ये बातचीत कैसी लगी, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। आप ईमेल कर सकते हो info@haanji.com.au पर। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के लिए, गानों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो हांजी। दिस इज योर अपना आरजे पुनीत नाउ साइनिंग। होठों से मुझे जल जाने दो ना जरा सनम।